नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पटेल, डायरेक्टर ऑफ सुफ्तामो एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ सुफ्तामो की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। हर बार की तरह इस बार भी कुछ अलग टॉपिक के साथ हम आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। आज का जो विषय हमारा है वो है कज़ान फेडरल मेडिकल यूनिवर्सिटी का थर्ड वेव ऑफ एग्जामिनेशन। फिलहाल अभी तक दो वेव खत्म हो चुके हैं एंट्रेंस एग्जाम के। दोनों एग्जाम में काफ़ी सारे बच्चों ने एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था। कुछ लोग क्वालिफाइड हुए भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी हुए होंगे। वो बच्चों को अगर फर्स्ट या सेकंड वेव के अंदर टेक्निकल एरर आया हो या कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग रहा हो उसकी वजह से एग्ज़ाम ना दे पाए और उनको एग्ज़ाम देना हो तो वो लोग भी एग्ज़ाम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जो थर्ड वेव ऑफ एग्जामिनेशन होने जा रहा है उसके अंदर काफ़ी सारे नए चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे कज़ान फेडरल मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर। थर्ड वेव के अंदर एक्चुअली जो टाइम ड्यूरेशन है एग्ज़ाम का, जो पहले टाइम ड्यूरेशन था फर्स्ट वेव था उस टाइम पे जो टाइम ड्यूरेशन था पूरा अलग था, सेकंड में उससे भी चेंज हो गया था और थर्ड में तो उससे भी डिफ़िकल्ट कर दिया गया है। जब फर्स्ट वेव था तो फर्स्ट वेव के अंदर जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन था वो इंडियन टाइम के हिसाब से सुबह के 10:30 बजे से रात के 1:30 बजे तक का टाइम था। जब सेकंड वेव हुआ तो सेकंड वेव के अंदर जो टाइमिंग था वो टाइमिंग था करीबन 10:30 बजे से लेकर रात के 7:30 बजे का। लेकिन अभी थर्ड वेव के अंदर उसको और ज़्यादा कॉम्प्रेस कर दिया गया है और वो जो टाइम ड्यूरेशन कर दिया गया है वो सुबह के 11:30 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक। हाँ जी दोस्तों, बहुत ही कम ड्यूरेशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। लेकिन हालाँकि एक दिन में एक ही पेपर देना है। जो डेट डिक्लेयर की गई है वो डेट की अगर मैं आपको बात करूँगा तो हर बार जैसे बायोलॉजी का पहले हुआ करता था पेपर, लेकिन इसकी जगह पे इस बार थोड़ा उसमें सब्जेक्ट में भी वेरिएशन लाया गया है। इस बार सबसे पहला जो पेपर होने जा रहा है 5 तारीख को 5th of August के दिन, वो पेपर है इंग्लिश का। सेकेंड जो पेपर है वो है आपका केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का आपको तुरंत 6 तारीख को एग्ज़ाम में, 6th of August को आपका एग्ज़ाम है केमिस्ट्री का, और 10 अगस्त को जो है वो बायोलॉजी का एग्ज़ाम है, और 16 अगस्त के दिन आपका रिजर्व डे रहेगा। मीन्स इंग्लिश और केमिस्ट्री के बीच में कोई भी गैप नहीं है आपके लिए, तो वहाँ पे थोड़ा आपको प्रिपरेशन करने का टाइम शायद थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन उतना डिफ़िकल्ट नहीं रहता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस के लिए, जिन बच्चों को KFU में एडमिशन लेने की महत्वाकांक्षा है या इच्छा है वो लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर के ऊपर जो नंबर नीचे हाईलाइट हो रहा है आपको, और डॉक्यूमेंट के अंदर आपके डॉक्यूमेंट हमको 10th, 11th, 12th की मार्कशीट बराबर है, और उसके अंदर जो ID प्रूफ लगेगा वो आपका आधार कार्ड लगेगा और पासपोर्ट लगेगा, और एक आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए। इतनी चीज़ें आपको हमको सबमिट करनी रहेगी। वो सबमिशन के बाद आपको एक कंसेंट लेटर दिया जाएगा, जो कंसेंट लेटर सिंगल पेज का आएगा, जिसके अंदर आपको एक सिंगल सिग्नेचर करना है, आपका नाम लिखना है और डेट लिखना है, और वो जैसे कंसेंट पेपर आप साइन करके भेजेंगे तो उसके बाद जो आपको आएगा एप्लीकेशन फॉर्म आएगा जो 2 पेज का आएगा, जिसके अंदर करीबन 5 सिग्नेचर होगी और एक डेट लिखना रहेगा आपको। ये कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद आपको वहाँ पे यूज़र ID पासवर्ड प्रोवाइड किया जाएगा एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, और एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपको जो नीचे दी गई वेबसाइट है वहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है, और वहाँ पे जाके आपको इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद आपको वहाँ पे आपका यूज़र ID पासवर्ड डालना है और आगे की फर्दर प्रोसेस फॉलो करना है, और आगे की जो भी एडवाइस लेनी है आप डायरेक्टली हमको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहते आपको अगर मेल करना है तो नीचे दिए गए मेल ID के ऊपर आप मेल भी कर सकते हैं, एवं हमारे इस चैनल के ऊपर आप कमेंट भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको शायद पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। टेक केयर।